चीड़ू टीड़ू आज कोई शरारत मत करना, आज हम लोग जल्दी जल्दी सो जाएंगे। कल अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है, फिर हम लोग सब फॉरेस्ट में घूमने जाएंगे। हाँ बाबा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अभी सोने जा रही हूँ। मुझे अभी नींद नहीं आएगा, मुझे बहुत सामान पैक करना है और मैं फॉरेस्ट में जाकर ही सोऊंगा। लगेज लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा लेने से प्रॉब्लम हम लोगों को ही होगा। कोई जरूरत नहीं और कोई सामान लेने का, मैंने सब पैक कर लिया, तुम चुपचाप सो जाओ। बोलो चीनू, तुमको ये नज़ारा कैसे लग रहा है? बाहर से देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। हाँ बाबा, मुझे ये कोई सपना जैसा लग रहा है और मैं ये मोमेंट को अच्छे से फील कर रहा हूँ। ट्रेन का नज़ारा इतना खूबसूरत है, फॉरेस्ट का नज़ारा कितना सुंदर होगा। टीनू चीनू और बाबा, जहाँ जाने का था वहाँ नहीं गया, गलती से दूसरा फॉरेस्ट में आ गया था। और इस फॉरेस्ट में एक एविल नान रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी। वो किसी को नहीं छोड़ती थी, सबको अपना पिंजरे में बंद करके रखती थी और बाद में खा जाती थी। अब देखिए क्या होने वाला है, चीनू टीनू और बाबा का एविल नान का चिंगुल से बच पाएगा? चलिए देखते हैं पट्टू में। इस कहानी को देखने के लिए हम लोगों का चैनल एसएलएस स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।